वेरी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को। और थोड़ा सा मन अभी कुछ देर से अजीब सा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज हमें पता चला कि एक बच्चा हमारे साथ पढ़ता था साइंस 9 बैच में, कमल चौहान, और उसने सुसाइड कर लिया बच्चे ने। उसकी बहन का मैसेज आया तो मुझे पता चला कि वो लड़की भी पढ़ती है साइंस 9 बैच में, किसी और बैच में, और बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि डिप्रेशन है कि पेपर नहीं हो रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है और पास किए हुए इतना टाइम हो गया। भाई एक चीज बताओ, ये जो अभी माहौल चल रहा है कौन खुश है इसमें, ये बताओ। हर एक आदमी कुछ ना कुछ टेंशन है। अगर ऐसे ही सब लोग करने लगे तो ऐसे तो अगर हर व्यक्ति डिप्रेशन को अगर एक वजह मान के सुसाइड करने लगे ना, तो भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ से 30 करोड़ नहीं बचेगी। क्योंकि हर आदमी, आप किससे बात कर लो, कोई भी आदमी खुश नहीं है, हर एक आदमी कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर मैं अपने ही साथ के लोगों को बताऊं, जब हम मैं पिछले 7-8 साल से टीचिंग लाइन में हूं, हमारे साथ के बहुत सारे टीचर थे, उनमें से 90% के पास आज बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वो सब ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े हुए थे। पिछले 2 साल हो गए उन्हें, और उनकी पूरी प्रॉपर फैमिली है, मतलब माँ बाप हैं, बच्चे हैं, सारे हैं, मतलब बड़ी फैमिली है उनकी, और उनके पास कोई काम भी नहीं है। मतलब इवन जो बंदे 2-2.5-3 लाख रुपए महीना कमाते थे, आज उनके पास 5-10 हज़ार रुपए का भी काम नहीं है, क्योंकि उनकी कोचिंग ही बंद है। उनके पहले पिछले साल उन्हें कई कई लाख रुपए तो उन्होंने अपने रेंट वगैरह में ही खर्च कर दिए, जो सेविंग थी वैसे खराब हो गई है, या जो बंदों के पास पहले ही पैसा होता है, किसी ने फ्लैट ले लिया, कुछ ले लिया, उसकी अपनी EMI वगैरह चल रही है, तो क्या उन सब लोगों ने सुसाइड कर लिया कि नहीं। एक होप है ना कि वही चीजें ठीक होंगी। पिछली बार जब लॉकडाउन चला, उसके बाद धीरे धीरे चीजें सही होने लगी। आप खुद देखो, दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास माहौल ऐसा था, हम लोग खुद से ही मास्क नहीं लगाते थे, हमें लगता था अरे पुलिस वाला खड़ा है सामने, अभी चालान काटेगा, भाई लगा लो, कुछ नहीं है, कोरोना क्या है, हल्का सा केवल जुकाम है, खांसी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब फिर से चीजें इतनी, जब नया वेरिएंट आया इसका, तो ज्यादा चीजें खराब होने लगी, फिर से वही लॉकडाउन का माहौल। जो लोगों ने थोड़ा बहुत हल्का सर्वाइव करना शुरू किया था, स्टूडेंट की मैं बात करूं, पेपर धीरे धीरे होने लगे थे, CHSL के जो पेपर रुक गए थे वो क्लियर हुए बच्चों के, CGL वालों ने 19 का मेंस लिया, उसके बाद उसमें Tier 3 भी लिया, तो कुछ ये पटरी पाने लगी, उसके बाद से फ्री हो गया। तो सुसाइड जो है वो कोई एक, अब देखो कहना बड़ा सही लगता, कई बार कहना बड़ा आसान सा लगता है, जो आदमी इस चीजों से गुजर रहा होता है ना, अब वो सही पता है। अब मैं खड़े होकर आपके सामने कह दूं, या अभी 4 लोगों के सामने कह दो कि यार सुसाइड तो वही बुजदिल लोग करते हैं, बेकार ये वो, ऐसे वो कहना आसान है। दिक्कत पता कहाँ है, हमारे पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिससे हम अपने मन की बात कर सकें। दिक्कत है, आप खुद बताओ, मैं ऐसे कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा, बस मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप मेरे से जुड़े हुए हो, इसलिए मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि आप खुद सोचो, हमारे साथ फेसबुक पर कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन अगर मेरे मन में कोई ऐसी बात हो कि जो मुझे लगे कि अंदर ही अंदर मुझे खा रही है, तो मेरे पास कितने लोग हैं उसे बात करने के लिए। ऐसे हमें 2-4 दोस्त भी हमारे ऐसे नहीं है, तो हम कम से कम इतने दोस्त ऐसे बनाए, भले 5 बनाए 4 बनाए 3 बनाए 2 हो, कम से कम ऐसे तो जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें। ये फेसबुक पे भीड़ इकट्ठी करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब होता क्या कि मन का गुबार अंदर ही अंदर पलते रहता है, फिर उसे हम बाहर नहीं निकाल पाते, हम एक अलग ही कहानी अपने ही जीवन में, एक अलग ही अपना, एक समझो कि एक काल्पनिक इमेजिनरी दुनिया में रहने लगते हैं, जिसमें हमें सब कुछ निगेटिव लग रहा है, सब कुछ बेकार लग रहा है, कुछ ठीक नहीं होगा। दूसरा क्या कि फिर घर पे भी ऐसी बातें होती हैं, मान लो फादर, उनकी भी जॉब छूट गई, वो भी अब जो सेविंग थी वो भी खराब हो रही है, पता चला मम्मी के पास कुछ छोटा मोटा सामान था, वो भी आपने गिरवी रख के कुछ पैसे लिया है, अब वो लग रहा है कि अब चीजें कब ठीक होंगी, और आपको घर वालों ने 2 बार बोल दिया कि भाई 3 साल हो गए तो ये भी ग्रेजुएट हुए, तेरे से इतनी उम्मीद थी हमें, लेकिन तू भी कुछ नहीं कर पा रहा है, फिर आप क्या होते हो और डिप्रेशन में आ जाते हो, क्योंकि सबके घर की सिचुएशन एक जैसी नहीं है ना भाई। जिसके अकाउंट में पैसा है, जिसके पास व्यवस्था है, उसके लिए लॉकडाउन भी बढ़िया है, जो अपने घर में मजे से रह भी रहा है, उसके लिए 6 महीने और बाहर आने के लिए उसके लिए कहला आसान है, लेकिन जिनके पास चीजें नहीं है वो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना जीवन समाप्त कर लें, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर बहुत अच्छा जीवन हमेशा नहीं रहता तो फिर बुरा भी कैसे रहेगा। तो आप निगेटिविटी से दूर रहो, उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, आपके अच्छे दोस्तों उनसे बात करो, कोई भी मन में बात हो ना। दूसरा, घर में अगर माँ बाप थोड़ी निगेटिव से बात करने लगे कि चीजें कब तक ठीक होंगी क्या, तो आप हंसी खुशी का माहौल बना दो, चुटकुला कुछ छोड़ दो घर में, मजा करे हो जाएगा, मम्मी ठीक है ना, हम कौन सा फिर पूरा दिन आप पराठे बना के खिला रही थी हमें, हम कौन सा आपके पास बैठे थे, कभी मैं उधर चला गया, कभी ये, कुछ भी ऐसा माहौल बनाओ कि ये ना हो कि एक ने निगेटिव बात की, फिर घर में दूसरा करता है, फिर तीसरा, फिर वो एक लूप बनने लगता है, और फिर हम उस निगेटिव माहौल में इतना रहने लगते हैं कि हमें उसी में एक मजा आने लगता है निगेटिव बातें ही करने में। तो ऐसा मत करो, क्योंकि हम बच्चा जैसे जुड़ा होता है ना, हमें ऐसा लगता है हमने उस बच्चे की कभी शक्ल नहीं देखी, मतलब कमेंट आते थे हाँ भाई कोमल ये क्वेश्चन तुमने ठीक बताया, तो एक धक्का सा लगता है कई बार।
और जब सुशांत सिंह राजपूत तो हमारे से बहुत ज्यादा अटैच नहीं था, हम कभी से मिले नहीं है, केवल पर्दे पर देख रहे हैं, कलाकार था, उसकी मौत से हमें इतना दुख हुआ। तो जब आसपास के लोग जाते हैं तो उनके माँ बाप को कितना होता होगा। तो निगेटिव बातों से दूर रहने के लिए भाई यही है, कहने को तो बहुत बातें हैं, आप सभी को पता है, ग्रेजुएट हैं आप भी सभी, क्या बताऊं मैं आपको। बस ये कि मन में बातें मत रखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे दोस्त बनाओ, और उनसे केवल ना ऐसे वो मेटेरियल लाइफ मत जियो, बिल्कुल ऐसे ना कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल वही कि किसी दोस्त से भी मिले तो कहीं पे 5 रुपए का समोसा आया, भाई 2.5 रुपए तेरे, 2.5 रुपए मेरे, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। दोस्त ऐसे हो कि आपके पास भाई 1 महीने पैसे नहीं है ना तो दोस्त आपसे ना कहे, और फिर उसके पास 2 महीने तो आप ना कहो। अगर आपके पास ऐसे दोस्त नहीं है ना कि आप कहीं पर जाके 50 रुपए की चीज भी खा रहे हो और तुम कह रहे हो भाई देख 25 तेरे हो गए, 25 मेरे, पिछली बार मैंने ना 20 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं तो मेरे 5 रुपए ले, 5 रुपए ले ले, तो ऐसे दोस्तों के साथ आप बढ़िया लाइफ नहीं जी सकते। अगर किसी का जीवन ऐसा है ना तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो ऐसे व्यक्ति तो निगेटिव है तो रहे, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि सुसाइड कर ले वो, मैं कह रहा हूँ कि निगेटिव है तो निगेटिव क्यों रहे, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसे निगेटिव तरीके से मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उसे ऐसे धक्का लगे, उसे चोट लगे एम्बर कि हाँ कि मुझे एक ऐसे जीवन में दोस्त भी होने चाहिए, ऐसे रिश्तेदार भी होने चाहिए कि जिनसे मैं अपने मन की बात कर सकूं, एक ऐसा दोस्त हो कि जिसके साथ जाते समय मुझे ये ना करना पड़े कि मुझे ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे बोलना है, जो आपके मन में वो करो। तो आप अगर ऐसे दोस्त बनाओगे, ऐसा जीवन रहोगे तो आप कभी निगेटिव नहीं हो सकते, आप डिप्रेस नहीं हो सकते। और डिप्रेशन होता भी है शहरों के बच्चों को ही है, या जो फिर छोटी न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, या तो बड़ी फैमिली में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं लोग, उनके क्या, उनके दोस्त होते हैं बढ़िया, बैठे हैं खेत में ही, भले नौकरी नहीं लग रही है, उन्हें पता है कि पिताजी की 10 बीघा जमीन है, 2 भाई हैं, 5 आनी है, वो तब भी सोच लेते हैं अरे 5 तो है, छोटा मोटा कुछ काम कर लूंगा, वो अपना खुश है। तो आपको कुछ ना कुछ खुशियों के बहाने ढूंढने हैं, बढ़िया दोस्त बनाने हैं, अच्छी चीजें देखो, बढ़िया पढ़ाई करो। और दूसरा, ऐसे तो है नहीं कि जीवन हमेशा ऐसे चलेगा, जब भी पेपर होंगे और आप पेपर देने जाओगे, अभी तो आप इसलिए नहीं पढ़ रहे डिप्रेशन में, जब पेपर आ जाएगा वो पास नहीं होगा तो और डिप्रेशन आ जाएगा। तो अपना पढ़ते रहो लगातार, टीचर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, कोई अपने घर से क्लास ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जैसे भी किसी से पॉसिबिलिटी हो पा रही है तो सब अपने तरीके से बढ़िया एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप भी लगाओ। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि भाई ऐसे काम मत करो। आपके हमारे लिए तो आप ये हो सकता है कि स्टूडेंट था, हो सकता है कि मैं 2 महीने 4 महीने बाद भूल जाऊं, किसी को कोई डिस्कशन करूं तभी याद आए, पर माँ बाप तो नहीं भूलेंगे, उनके लिए तो जीवन का एक हिस्सा चला गया, वो उनके लिए तो हमेशा रहेगा। उस बहन के लिए उसकी शादी भी हो जाएगी, वो कल को बिल्कुल जब अब से 30-40 साल बाद भी उसके लिए रहेगा कि मेरा भाई था साथ में चला गया। तो ऐसे एक गैप मत क्रिएट करो। तो अगर किसी के मन में ऐसे निगेटिव बातें हैं तो बात करो, अगर कुछ जैसी दिक्कत है, हम टीचर हैं, हमारे से भाई जितना हो सकता है हम आपके लिए करेंगे, आप मैसेज छोड़ दो, पर जेन्युइन हो, ऐसा ना हो कि आप उस चीज़ का फायदा उठाने लग जाओ, क्योंकि हम भी कोई करोड़पति अरबपति नहीं है, तो जितना हमारे से होगा हम आपकी हेल्प करेंगे, ऐसा ना हो कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप ऐसे कदम उठाओ। ठीक है, मैं इतना कहूँगा, खुश रहो, बढ़िया रहो, कोई बात हो हमारे से करो, अपने दोस्तों से करो, माँ बाप से करो, और चिल रहो, घर में निगेटिव माहौल मत होने दो। थैंक यू।